नमस्कार दोस्तों, मैं नाम तेज प्रकाश, स्वागत करता हूं आपकी एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज एक हम छोटा सा सर्किट है, ये रिले और ये सर्किट, इन दोनों का कनेक्शन करके दिखाने वाले हैं कि इस रिले को ऑपरेट करने वाला ये सर्किट किस तरह से कनेक्शन होते हैं, कहाँ पे होते हैं। ये छोटा सा ही वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ध्यान से, इसमें एक प्रीसेट भी लगा हुआ है। प्रीसेट से इसका सेटिंग होता है, कितने वोल्टेज रखनी है आपको, उसी हिसाब से कट करता है ये। तो दोस्तों, इसके हम कनेक्शन आपको बारीकी से करके दिखाने वाले हैं कि रिले के कनेक्शन कहाँ पे होते हैं और ट्रांसफर कनेक्शन कहाँ पे। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम करते हैं इसके कनेक्शन, फिर दिखाते हैं आपको किस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेना, चलिए मैंने ले लिया, आप भी ले लेना इस तरह से। और ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई ऑटो कट सर्किट भी बनाना है तो भी इसी तरह से ही सर्किट बनेगा। तो दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ रिले में क्या होता है। पांच टर्मिनल होते हैं, तो इस तरह देखिए, ये सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, एक नंबर ये दो, ठीक है, और ये तीन, ठीक, चार, और ये लास्ट में पाँच। ये दो टर्मिनल होते हैं नीचे वाले, ये रिले की कॉइल के होते हैं, रिले को ऑपरेट करने के लिए। तो चलिए, इन्हीं पर कनेक्शन करके दिखाता हूँ। इन दोनों पे दो वायर लगा लेनी, तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बारीकी से सारे कनेक्शन दिखा दूँगा आपके लिए। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल वगैरह भी देख लेना आप, सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए, इस तरह से मैं दूसरा कनेक्शन भी कर देता हूँ, फिर मैं आपको सर्किट बोर्ड में कनेक्शन करके दिखाता हूँ। चलिए, अब आगे के ये देखिए, मैंने दोनों कॉइल के टर्मिनल पे सर्किट पे लगा दिए, दो छोटे छोटे टुकड़े एक वायर। और अब आगे चलिए, ये देखिए, ये सर्किट बोर्ड है, इस पर किस तरह से कनेक्शन करेंगे। मैं थोड़ा सा सफाई कर देता हूँ इसकी, क्योंकि ये दूसरे स्टेबलाइजर से निकला हुआ है, अभी मैंने वीडियो डाला है नया, तो उसमें लगा हुआ था। ये काम तो कर रहा है बढ़िया, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सर्किट है तो मैंने निकाल दिया, उसमें छोटा सर्किट लगाया, उसके भी कनेक्शन दिखाएं। अगर आपको उसके भी बारीकी से कनेक्शन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप देख लो, ये जो होल दिख रहा है आपको, होल ऐसे ही पलट लेना सीधा, ठीक है। पलटने के बाद क्या करना, ये दो दिख रहे हैं आपको अलग ही टर्मिनल, एक ये और एक ये, इन दोनों पर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन आएंगे 909 के, और रिले के ये एक और दो, मैं बता रहा हूँ, एक और दो, ये दोनों क्या है, रिले के आउट के लिए हैं, और दोनों ये। तो चलिए, मैं कनेक्शन करता हूँ, फिर दिखा देता हूँ एक बार आपको अच्छे ध्यान से। तो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक इस तरह से, और मैं कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों, मैं इसकी टेस्टिंग तो फिलहाल अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई ट्रांसफार्मर है नहीं 909। बाकी आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी करके दिखा सकता हूँ। लेकिन जो भी ये कनेक्शन हो रहे हैं एकदम करेक्ट हो रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपका रिले 100% वर्किंग करेगा। तो हमारे रिले के कनेक्शन हो चुके हैं, दो वायर और भी लगा लेते हैं हम, ये इसके ट्रांसफार्मर के लिए, वो भी लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको, इससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, और वीडियो लाइक भी कर देना अच्छे से, और आप प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहना, इससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ, मेरे दोस्तों को, भाइयों को मेरा वीडियो पसंद आता है। तो देख लीजिए, हमारे रिले के कनेक्शन दोनों हो चुके हैं, और ये दो जो वायर हैं ये ट्रांसफार्मर 909 से आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं आपका भाई दोस्त मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।